वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्टिविटी 4.6। यहाँ पे इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले एक वार्निंग दी जाती है कि जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये एक्टिविटी करेंगे उसका जो माउथ है दैट शुड बी अवे फ्रॉम योर फेस। और इसमें जो टेस्ट ट्यूब को आप क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब होल्डर लेंगे, उसके अंदर होल्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बताई है, टेबल 4.5। इसको समझने से पहले, मतलब एक्टिविटी को समझने से पहले हम आपको टेबल पे ले चलते हैं। इस टेबल में हमें दिखानी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहाँ पे हम 6 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और हम इनको लेबल कर देंगे A, B, C, D, E, F। उसके बाद जैसे हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कुछ मेटल्स रखेंगे, किसी में नॉन मेटल्स रखेंगे। जैसे हमने ए टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम रिबन रखा, बी में एल्यूमिनियम फॉइल रखा, सी में आयरन की फाइलिंग्स रखी, डी में हमने कॉपर रखा जिसको फ्लेक्सिबल वायर से पील्ड किया था, ई में हमने चारकोल पाउडर रखा और एफ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सल्फर रखा। अब हम क्या करेंगे, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एसिड डालेंगे और हम देखेंगे रिएक्शन। पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद हम फिर से अलग से टेस्ट ट्यूब लेंगे, उन टेस्ट ट्यूब की हम रिएक्शन देखेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम ये देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रूम टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन नहीं होती है तो हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे सॉल्यूशन को, गर्म करके देखेंगे और फिर देखेंगे रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम आते हैं एक्टिविटी पे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल लेंगे, जैसा कि हमने टेबल 4.5 में लिस्ट बनाई है। हर एक मटेरियल को हम, वो जो आपका मेटल है या नॉन मेटल है, हम सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब को हम लेबल कर देंगे लाइक A, B, C, D, E, F। उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से हम हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 by 1 करके 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। अब आपको केयरफुली रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। यदि रिएक्शन नहीं होती है कोल्ड सॉल्यूशन में, ठीक है, जब मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन नहीं होती है तो थोड़ा सा जेंटली जो है टेस्ट ट्यूब को वार्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक जलती हुई मैच स्टिक जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उसके पास लेके आएंगे। तो आप देखना कि आप क्या कुछ आप पॉप साउंड लाइक कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हमने ये एक्टिविटी की जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज ना करके क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.5 में रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या हमारा होता है, रिएक्शन होती है नहीं होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखेंगे, उसके अंदर मतलब जब जैसे ही जिस टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम ले रखा था उसमें हम जैसे ही एसिड ऐड करेंगे फास्ट रिएक्शन वी विल ऑब्जर्व। और जब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन और भी फास्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, दे शो फास्ट रिएक्शन विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इवन जब हम उसको वार्म करते हैं तब भी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बात करें तो कॉपर जो है जब रूम टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब हम इसको वार्म अप करेंगे तो रिएक्शन हो जाती है। और हम यूं कहें कि अगर हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो कॉपर जो है रिएक्ट करता है। चारकोल और सल्फर की बात करें तो ये हमारे किसी भी मतलब जैसे ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं और ना ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। तो NR का मतलब है नो रिएक्शन और FR का मतलब है फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। सो यहाँ पे जो हमारा FR हमने लिखा है, FR इसका मतलब है फास्ट रिएक्शन और जो NR लिखा है मतलब नो रिएक्शन। तो यहाँ पे आप टेबल से देख सकते हैं कि जो हमारा चारकोल और सल्फर पाउडर है ये हमारे नॉन मेटल्स हैं
और नॉन मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सो जब आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, यानी कि आपके जो मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, यानी कि जब आप मैं अभी बताती हूँ इसको, हम वापस टेबल पे आते हैं। ये पॉप साउंड का पॉइंट आता है यहाँ पे। ये जो हमारे मेटल्स हैं, ये मेटल जब हमारे एसिड्स के साथ, चाहे वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है, और जब हम एक जलती हुई मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाते हैं तो जो वो मैच स्टिक हाइड्रोजन गैस के साथ जब एक रिएक्शन होगी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी पॉप साउंड। तो ये जो पॉप साउंड का कॉन्सेप्ट है, मतलब पॉप साउंड आपको ये दिखाती है कि हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, जहां पे भी पॉप साउंड आएगा इट मीन्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जब हम एक बर्निंग मैच स्टिक जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके आते हैं तो पॉप साउंड आती है। और इस एक्टिविटी को करने से आपको पता चलेगा कि जो नॉन मेटल्स हैं दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स। जैसे हमने देखा कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद द एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यहाँ पे आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो कॉपर है, क्योंकि आपने कॉपर वाली एक्टिविटी भी की है, कॉपर जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर की रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑन हीटिंग। सो इस वीडियो में हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेस, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स विद एसिड। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।